आजकल का देख रहे हैं बेंगलुरु में ज़्यादा केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा केसेस होने के बाद वो लोग को हम फैसिलिटीज करना ही पड़ेगा, करने के टाइम पे वो परमिट बनाना, नहीं तो किधर से बाहर से लेना, कुछ तो बोल को मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं पूछ को आपको बताता हूँ। सर गवर्नमेंट कहीं पे टेंशन में है इस मौके पे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है देखो आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में भी बल्लारी में बहुत ज्यादा है और जिंदाल का इशू तो बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं क्योंकि देखो वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कर्नाटक कर्नाटक में विशेष सी बड़ा बेंगलुरु पे ज़्यादा हो रहे हैं, और चार पांच डिस्ट्रिक्ट में बल्लारी मिलकर चार पांच डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा भी हो रहा है। इसके बारे में अभी कैबिनेट में डिस्कशन चला, अभी ज़्यादा लैब्स बनाना चाहिए। क्या आजकल ज़्यादा केसेस आने के बाद, ज़्यादा टेस्ट होने के बाद प्रेजर लैब्स के ऊपर गिर रहे हैं। आ लैब्स में क्या हो रहा है, उधर का टेक्नीशियंस ये टेस्ट करने के टाइम में थोड़ा लोग वो पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बाई चांस पॉजिटिव होने के बाद वो लैब भी बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम सोच रहे आप भी डिस्कशन चला, ज़्यादा लैब्स बनाने से फ़ायदा होगा, टेक्नीशियन भी आने के दिन पे टेक्नीशियन भी ज़्यादा, लैब टेक्नीशियन भी लेना है और दूसरे लोग भी लेना है, वो लोग को भी टेस्टिंग लैब बढ़ाने के विचार में सर पहले से आप आगे ही सोच के बोल रहे थे, लेकिन अब तक वो टेस्टिंग लैब ज़्यादा नहीं नहीं, कर नहीं 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 मेरे ख्याल से दूसरा राज्य को कंपेयर किया तो हमारा पास 72 टेस्टिंग लैब से, आज 72 टेस्टिंग लैब में क्या रहे प्रैक्टिकली लोग उधर के लैब टेक्नीशियंस और माइक्रो बायोलॉजिस्ट लोग उधर क्या हो जाते हैं, एक एक बार वो लोग क्वारंटाइन पे चले जाएंगे, क्वारंटाइन जाने के बाद क्या हो तो काम करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम सोच रहे ज़्यादा लैब्स अभी बनाएंगे, दूसरा राज्य पे कंपेयर किया तो हम कर्नाटक में बेटर है लैब्स बनाने में।